शूर्पणखा को दंड। दंड कारण्य अत्यंत घने और भयंकर अरण्य से व्याप्त प्रदेश था। इस प्रदेश पर राजा रावण राज्य कर रहा था। यहाँ का कार्यभार उसकी बहन शूर्पणखा संभालती थी। प्रभात की कोमल धूप में श्रीराम एक शिला पर बैठे थे। सीता बागों की फूल पत्तियों को पानी दे रही थी। कुछ दूर रक्षण के लिए लक्ष्मण खड़ा था। तभी अचानक दशमुख रावण की राक्षसी बहन शूर्पणखा पर्ण कुटी के पास आ पहुंची। श्रीराम की तेजस्वी मूर्ति और अनुपम सौंदर्य को देखकर शूर्पणखा उस पर मोहित हो गई। तत्काल उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और ठुमकती लचकती वह श्रीराम के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, वनवासी तापस का वेश करके तुम इस वन में रहते तो हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जो तेजस्विता है, गठिला शरीर है, उससे और तुम्हारे आसपास जो शस्त्र हैं, इससे तुम कोई राजकुमार हो यह सहज ही पहचाना जा रहा है। मैं लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा हूं, इस सारे प्रदेश की स्वामिनी। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूं, तुम मुझसे विवाह करो, हम सुख से गृहस्थी बसाएंगे। हे नारी, मैं अयोध्या के सम्राट दशरथ का पुत्र श्रीराम हूं। पिता की आज्ञा अनुसार मैं राज्य को छोड़कर इस वन में वास कर रहा हूं। वहां देखो, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ विवाह करना संभव नहीं होगा। वो वहां देखो, मेरा कनिष्ठ बंधु खड़ा है, चाहो तो तुम उसके साथ विवाह करो। श्रीराम के नकार देने पर मूर्ख शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उसे अपने साथ विवाह करने का आग्रह करने लगी। लक्ष्मण इस समूचे प्रसंग को समझ गए। उसने कहा, माई, मैंने अपनी इच्छा से बड़े भाई के दासी को स्वीकार किया है। मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी दासी बनकर रहना पड़ेगा, तो अच्छा होगा तुम बड़े भाई से विवाह कर लो। मूर्ख शूर्पणखा फिर राम के पास आई और उन्हें विवाह के लिए फिर आग्रह करने लगी। राम के बार बार एक पत्नी व्रत का उल्लेख करने पर वह कुपित हुई। ठहरो, मैं इस दुबली को अभी खा जाती हूं, फिर वह नहीं बचेगी, उसके बाद तुम मुझसे विवाह करो। ऐसा कहते हुए उसने अपना मूल राक्षसी रूप धारण किया और वह सीता पर हमला करने लगी। लक्ष्मण सावधान था, वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। तभी राम ने ऊंची आवाज में कहा, लक्ष्मण वह स्त्री है, उसका वध मत करो, सिर्फ उसे विद्रूप कर दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट डाले। विरूप हुई शूर्पणखा चीखती चिल्लाती घने अरण्य में भाग गई। उसके इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसके बंधु द्वय सेनापति खर और दूषण और तीन शिरों वाला त्रिशिरा राक्षसों की सेना के साथ राम लक्ष्मण पर टूट पड़े। लक्ष्मण को सीता के रक्षण के लिए छोड़कर अकेले श्रीराम राक्षस सेना के सम्मुख खड़े हो गए। उन्होंने केवल सवा घटिका में खर दूषण त्रिशीर के साथ ही हजारों राक्षसों का संहार किया। उनके असीम पराक्रम से भयभीत होकर शूर्पणखा रावण के पास लंका भाग गई। रावण के समक्ष उसने क्रोध का तूफान खड़ा कर दिया। रावण की बहुत निंदा की। राम से प्रतिशोध यानी कि बदला लो, ऐसा वह बार बार चिल्ला रही थी। श्री राम ने अब तक राक्षसों का जो संहार किया था उससे रावण अपरिचित नहीं था, लेकिन अब उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी बहन को विद्रूप कर दिया। देखकर अब उसका शांत रहना संभव नहीं था। परंतु तभी रावण के अंकपन नामक डरे हुए मंत्री ने उसे श्रीराम के साथ आमने सामने युद्ध न करते हुए कुछ कपट करने की सलाह दी। उसने कहा, महाराज, उस राम की पत्नी अत्यंत रूपवती है, उसका हरण करके लंका ले आइए, फिर उस दुख में राम अपने आप मर जाएगा। अंत में कपट जाल से सीता का हरण करने की योजना रावण ने बनाई। तात्पर्य, दुष्टों को दंड देना धर्म है। श्री राम ने जो कुछ किया उचित ही किया।